हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस के स्टडी पॉइंट मथुरा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बच्चों को डाउट ये रहता है कि उन्हें बेसिक से नहीं पता होता कि क्या है, और टीचर्स क्या करते हैं, एक हायर लेवल से स्टार्ट करते हैं और अपर लेवल तक लेके चले जाते हैं और एग्जामिनेशन के पोर्शन को पूरा फिनिश कर देते हैं, बट बच्चों को समझ में नहीं आता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर आपका ही एक जो है चैनल है एस के स्टडी पॉइंट मथुरा, जिसमें के हम बेसिक स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे और हाई तक लेके चलेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली, अगर कोई शिकायत होती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप समझ लीजिए क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास में पढ़ाई होगा, पॉलिनोमियल 9th क्लास में पढ़ाई होगा। यदि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके इक्वल में अगर आपको जीरो मिल जाता है, क्या मिल जाता है, जीरो, तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ पर सीधा संबंध ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई, जैसे मान लीजिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको बता देता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक कोई पॉलिनोमियल है, नोमियल है कौन सा, क्वाड्रेटिक, और दूसरा आपके पास क्यू पॉलिनोमियल है और क्यू कोई इक्वेशन है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, बताइए कि दोनों में डिफरेंट क्या है। तो समझ लीजिएगा कि पॉलिनोमियल जो होते हैं वो एक्सप्रेशंस होती हैं, इनमें कोई भी इक्वल नहीं होता है, ये इक्वेशन हमेशा इक्वल होती है, यानी इक्वेशन हमेशा जो है आपको इक्वल रहने वाली। देखिए यहां पर भी आपको इक्वल का साइन दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, यहां पर भी आपको इक्वल दिख रहा है, ये दिख रहा है, और यहाँ पर भी आपको इक्वल का साइन दिख रहा है, यानी ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके की आपको पोजीशन मिलेगी, यानी कि इक्वल का साइन दिख रहा होगा पूरी एक्सप्रेशन में, आपकी एक्सप्रेशन में कि हाईएस्ट वैल्यू 2 होनी चाहिए, यानी कि एक्स की हाईएस्ट वैल्यू 2 होनी चाहिए। देखिए इसमें हाईएस्ट वैल्यू 2 है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू 2 है, और इसमें हाईएस्ट वैल्यू 2 है, इसका एलसीएम लूंगा यहाँ पे, तो ये हाईएस्ट वैल्यू 2 आएगी, बट 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाद का इशू है, बट इसमें भी हाईएस्ट वैल्यू 2 है, बट ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब आप इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो इसके दो रूट आपको मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जितनी हाईएस्ट पावर इक्वेशन की होती है उसके उतने ही रूट मिलते हैं। मान लीजिए अगर इसके इसकी जो पावर होती है वो 3 होती, तो आपको 3 रूट यहां मिलने वाले थे, यहां पर क्या मिल रहा है, 2। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, जिस इक्वेशन की भी हाईएस्ट पावर 2 होगी, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यहां पर देखिए इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट इसकी अब पावर हमें चेक करनी पड़ेगी, क्या इसकी पावर भी हाईएस्ट पावर क्या आने वाली है, 2 आने वाली है या नहीं है, तो ये देख लेते हैं। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब मैं इसका इधर एलसीएम लूंगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब मैं इधर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स क्यू। तो जब एक्स क्यू इसकी पोजीशन आ रही है तो एक्स क्यू क्यूबिक इक्वेशन होती है, न कि क्वाड्रेटिक। तो ये वाला क्वाड्रेटिक नहीं है, बाकी ये दोनों है, क्लियर, ओके। यहां पर आप देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक मैंने बता रहा था कि जो भी जिसकी पावर मान लीजिए 4 है तो इसके 4 रूट निकलेंगे। अगर मान लीजिए आपकी पावर x की पावर 3 हाईएस्ट है तो इसके 3 रूट्स निकलेंगे, वही इक्वेशन होगी, क्लियर। जैसे बायो क्वाड्रेटिक इसे कहेंगे, इसे क्यूबिक कहेंगे, और 2 जिसकी पावर होगी उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। 2 को स्क्वायर कहते हैं, क्या कहते हैं, 2 को स्क्वायर कहते हैं, यानी किसी के ऊपर 2 लगा है इसे स्क्वायर कहेंगे भाई, ठीक है। कोई बच्चे देखिए, बहुत से बच्चों को पता होता है, पर बहुत से बच्चों को देख लीजिए जो बिगिनर है उनके लिए फायदेमंद है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलिए टाइप नंबर 2। आपको इस चैप्टर में टाइप नंबर टाइप के मिलेंगे, वो देख लेते हैं। टाइप नंबर 2 में आपको मिलेगा कि एक क्वेश्चन आपको, मतलब एक इक्वेशन आपको दे रखी होगी और उसका रूट आपको दे रखा होगा पहले, और पूछेगा क्या ये रूट इसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं, ये आपको बताना होगा। तो चलिए इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 है, यहां मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जैसे ही लिखूंगा माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर लिखा x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 मुझे इस पूरी इक्वेशन में रखना है, तो ये 0 के इक्वल है, यानी 0 आ जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां पर LHS ले लिया,
लेफ्ट हैंड साइड लिया और 3x² - 2x - 1 यहां पर लिया, x की जगह पर मैंने 1 पुट किया, 3 × 1 - 2 × 1 - 1, यानी आप देख पा रहे होंगे 3 - 3 = 0, यानी कि आपको 0 के इक्वल था और 0 ही आपको आ गया है, क्या आ गया है 0 ही आपको आ गया है। तो हम कहेंगे कि ये रूट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो ये जो है इसका रूट होगा। और यही क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि बताइए कि ये जो है इसका रूट है, ओके ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ऐसे यहां पर चेक कर लेना है, यहां पर आपको चेक क्या करना है, इसमें x इज इक्वल टू माइनस वन रख देना है, क्या रख देना है x इज इक्वल टू माइनस वन रख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो है, तो x इज इक्वल टू क्या रखना है माइनस का 1/2। जब मैं माइनस का 1/2 रखूंगा तो जब मैं इसके स्क्वायर को ओपन करूंगा तो ये 1/4, यहाँ पर माइनस का 1/2 और यहाँ पर 2 इज इक्वल टू जीरो, ये वाली पोजिशन बनेगी। यहाँ पर देखिए 2 से गया 3 टाइम और 2 से गया 2 टाइम, तो यहाँ पर आपका 3/2 बना और एलसीएम लेने पर हमें क्या मिला 2, यहाँ पर 2 मिलेगा तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 2 का 2 से 1 और यहाँ पर 2 इक्वल टू जीरो। जब आप देख पा रहे हैं 3 आ जाएगा तो यहाँ पर 3 - 3 इज इक्वल टू 2 जीरो, तो यहाँ पर इसका डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा 0/2 यानी कि 0, तो 0 से 0 होगा तो ये भी इसको करेगा, ये भी इसे सेटिस्फाइड करेगा और ये जो है इसका रूट होने वाला है। क्लियर, ऐसे हमें ये वाला चेक कर लेना है, यानी कि दोनों रूट दे रखे हैं, ये दोनों रूट इसके हैं कि नहीं ये हमें बताना है। ओनली इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, यानी कि आपको एक कंडीशन दे रखी होगी पहले से और उन कंडीशनों को क्या करना होगा, दी गई इक्वेशन में पुट करना है, देन उनका आंसर जो है इक्वल आ जाता है, तो आपको या इक्वल के साइड में जो वैल्यू है उसके बराबर आ जाता है, तो आपका जो है ये कहा जाएगा कि ये रूट जो है इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो आप कह सकते हैं कि ये जो है इस इक्वेशन का रूट है। ओके चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में आपको क्या मिलने वाला है कि आपको दो वैल्यू दे रखी है, एक्स की एक वैल्यू ये दे रखी है, आर द रूट ऑफ इक्वेशन, आर द रूट ऑफ इक्वेशन यानी ये कह रहा है कि इसके इक्वेशन के रूट है ये दोनों। ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, आ रहे थे कि हमें पता था कि जो इक्वेशन का रूट होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो सिंपल सी बात है, जब मान लीजिए गिविन है हमें, सॉरी मान क्या लीजिए गिविन है, गिविन है कि 3x² - 2kx + 2m has a two root, ठीक है, two has a two root, has two root कौन कौन से, x is equal to 2 and x is equal to 3, ये दो रूट है। तो देखिए जब x is equal to करेगा, बिल्कुल करेगा, तो x is equal to on x is equal to 2, तो मैं यहाँ x is equal to 2 रखने वाला हूँ, 3 2 का square minus 2k2 और प्लस 2m, ये आपका होगा 0, यानी ये वाली पोजीशन बन जाएगी। जब यहां पर 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 12 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0, क्लियर। जब मैं यहां पर देखा 2m प्लस 12 इज इक्वल टू 4k, मैंने इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया, तो ये पार्ट फर्स्ट मिल गया, क्या मिला पार्ट फर्स्ट। अब यहां पर मैं अगेन देख ले रहा हूं पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड क्या है मेरे पास, इसी में 3x² - 2kx और यहां पर प्लस 2m इज इक्वल टू 0, तो किस पर, ऑन x इज इक्वल टू 3, क्या x इज इक्वल टू 3 पर मैं इसे चेक कर रहा हूं यहां पर, तो जब मैं 3 का करूंगा तो 7 हो गया माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा 6k + 2m इज इक्वल टू 0, तो माइनस का इसको इधर ले m प्लस 27 इज इक्वल टू 6k, ये हो गया, यानी कि ये सेकंड पार्ट बन गया। जब ये सेकंड पार्ट बना और ये फर्स्ट पार्ट बना तो यहां फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या फर्स्ट एंड सेकंड से, तो आपको मैंने देखिए 9th क्लास में ही आपने पढ़े भी होंगे और मैंने भी आपको एक वीडियो बना कि आपको वहां पर मिले हैं एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सबस्टिट्यूशन मेथड, यानी इन तीनों मेथड से इन दोनों इक्वेशन को एक ही वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा। तो मैं यहां पर सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाला हूं, 2m + 12 = 4k
और यहां पर आएगा 2m प्लस 27 इज इक्वल टू 6k। जब मैं नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस करूंगा तो माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या 27 से इसको किया तो 5 और यहां पर 1 15 इज इक्वल टू 2k। तो k की वैल्यू जैसे ही मैं फाइंड आउट करूंगा आपको, तो k की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी k इज इक्वल टू 15/2। ये इस तरीके से आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना होगा, आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक इक्वेशन के फैक्टर कर दीजिए, ठीक है, दो पार्ट में उसे डिवाइड कर दीजिए और देन उसके जो रूट्स आएंगे उन्हें जीरो के इक्वल रख दीजिए। तो आप फैक्टर कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। देखिए सबसे पहला काम कि लास्ट वाला जो नंबर होता है उसे उठा के फर्स्ट के ये कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 1 होता है तो इसका मल्टीप्लाई है 5। ठीक है, अब इस साइन को देख लीजिए। इस साइन देखने पर हमें ये नंबर मिल जाना चाहिए, यानी कि 5 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पर तो आपको 6 मिले, प्लस करने पर तो 6 मिले और मल्टीप्लाई करने पर आपको 5 मिले। ये ध्यान रखिए, तो 5 के ऐसे ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 5 मिले एंड प्लस करने पर 6 मिले। तो ऐसे फैक्टर देखूं तो मुझे मिले हैं 5 बन जा 5। आपको भी यही मिले होंगे शायद, और नहीं मिले हैं तो आपने गलत किए हैं, उन्हें सही करिएगा। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x, यहां पर देखिए दोनों से कॉमन ले लीजिए, मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपको करना क्या है, इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को एक ब्रैकेट में रख देना। वो कब रखिएगा, वो रखना तब है जब सेम आ रही हो। ये वैल्यू अगर सेम आ रही है तो इन्हें एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है एक ब्रैकेट में रख लेंगे। यहां तक आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां के बाद आपको करना यह है कि इनके रूट्स जीरो के इक्वल रख देना, इनके रूट्स को जीरो के इक्वल रख देना। जब इनके रूट्स जीरो के इक्वल होंगे तो ये माइनस वन हो गया और यहां पर एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहां पर कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा है। अगर आपका एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आता है तो आपको पॉजिटिव नंबर नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देना है। यहां पर देखिए जो बड़ी वैल्यू होगी वो लेनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये वाला, देखिए 21। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो जब मैंने 28 का मल्टीप्लाई 21 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो यहां आएगा 8 और यहां आएगा 16, तो ये आ गया 168 आ गया। ओके, 168 के फैक्टर ऐसे करिए कि माइनस करने पर आपको 22 मिले, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर तो आपको 168 मिले और माइनस करने पर 22 मिले। तो चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं, 168 आपको मिला ही होगा, ठीक है, 284, 2 से अगेन 2, 2 से अगेन 21, 2 से नहीं जाएगा 3 से देते हैं 7 और 7 से दिया क्या आएगा आपको 5। देखें यहां पर आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा बताएं 8 3 जा 24, ओके 24 आ गया और यहां पर 7 आ गया, क्लियर। देखिए 24 और 7 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनना है, हमें माइनस करने पर 22 नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसी पोजीशन लानी है जिससे माइनस करने पर आपको क्या मिले, 2 मिले। तो देखें ये पार्ट आ गया, अब इस पार्ट से करना क्या है कि हमें 7 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो 14 हो गया, क्लियर। अब यहां पर देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 12, तो ये वाली वैल्यू बनी इस तरीके से, यानी कि इससे तो ये आ नहीं रहा, इससे ये आ नहीं रहा था, तो हमने क्या किया कि इसको 14 और 2 में 14 और 12 हो गया, दो पार्ट हो गए। आप इसी तरीके से सेम इसे करिएगा और क्वेश्चन को लिख लीजिए। आप कहेंगे इक्वेशन बना दीजिए, तो इक्वेशन में आपकी हेल्प कर देता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर यहां पर माइनस है तो 14 माइनस 12 और यहां पर एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0।
जब मैंने इस तरीके की इक्वेशन बनी मेरे पास, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 12x माइनस कीजिए प्लस हो जाएगा माइनस 21x इक्वल टू 0। जब इसके फैक्टर करेंगे तो इससे कॉमन ले लीजिएगा, इससे कॉमन ले लीजिएगा, सेम इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसकी बात करता हूं। देखिए यहां पर आप क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर आपने क्वेश्चन देखा कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 9 दुनी 18 यानी 9 2 जा 18, ठीक है 9 2 जा 18। अब इसका क्या करना है, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर 18 मिले, तो 63x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देख पाएंगे 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो 3x कॉमन ले लूंगा यहां से, यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी क्या 3x माइनस 2 और यहाँ पर प्लस 1 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपको जो मिलेगा माइनस का 3x इक्वल टू 2। जब ये प्लस की वैल्यू इसे छोड़ देंगे क्योंकि इक्वल के इक्वल टू नेगेटिव आएगी और यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आने वाली है वो आएगी 3x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आपका आएगा 2/3, यानी कि x = 2/3। इस तरीके से इस पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ना। हम किस टाइप को कर चुके हैं, टाइप नंबर 4 को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो चलेंगे टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या कह रहा है आपको कि आप ये बताइए कि इक्वल रूट आपके हैं, क्या है रूट, जो इक्वेशन आपको दी गई है इसके a की वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिए। अब एक कंडीशन ये है b स्क्वायर माइनस 4a कैसे हैं, छोटे हैं, यानी कि जीरो से नेगेटिव वैल्यू है आपकी, तो ये नॉट रियल रूट होंगे। ओके, नॉट रियल होंगे। अगर आपकी वैल्यू जीरो के इक्वल है, अगर आपकी वैल्यू जीरो के इक्वल है तो आपके जो होंगे रूट होंगे इक्वल, कैसे होंगे, इक्वल रूट होंगे। ठीक, इक्वल रूट होंगे। अगर आपकी वैल्यू जीरो से बड़ी है, कैसी है, जीरो से बड़ी है तो आपके जो होंगे रूट वो रियल, डिस्टिनक्ट एंड रियल, कैसे, डिस्टिनक्ट एंड रियल। तो ये जो है इस, ये कंडीशन, तीन कंडीशन आपकी रहेंगी और इन तीन कंडीशनों के आधार पर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी, सेकेंड कंडीशन ये रहेगी और थर्ड कंडीशन ये रहेगी। बट उसने कह के क्या भेजा आपको कि आपके जो रूट है वो कैसे इक्वल है। तो देखिए इक्वल होने के लिए हमें कंडीशन क्या है, जीरो के इक्वल होना चाहिए रूट को, क्लियर बात है। तो देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन को इससे कंपेरिजन कराइए, कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर कराने पर आपको ए इज इक्वल टू 2 मिलेगा, बी इज इक्वल टू माइनस 10 और c इज इक्वल टू k मिलने वाला, क्या मिलने वाला k। अब आपका फॉर्मूला ये है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, कब, जब आपके रूट कैसे हैं, रूट कैसे हैं इक्वल है। ओके, जब आपके इक्वल रूट है तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास क्या है माइनस 10, माइनस 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100, माइनस 4 इंटू ac, a है हमारे पास 2, ठीक है, और सी आपके पास है के इज इक्वल टू 0। जब यहां पर हमने किया क्या हो गया, 100 इज इक्वल 8 हो जाएगा और 8 को जब मैं इधर लूंगा तो 8k और 8 का दे दीजिए डिवाइड, आपका आंसर हो गया, यानी कि ये k की वैल्यू रहेगी। इसी तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको कंपेरिजन कराना है इस इक्वेशन, कंपेरिजन कराने के बाद ए की वैल्यू आपकी 9, बी की वैल्यू आपकी 3k, सी की वैल्यू आपकी 4, सी की वैल्यू आपकी 4, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 क्योंकि रूट इक्वल है, क्लियर, ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला, ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में करना यह है कि वैल्यू को रख देना है, तो b की जगह पर आपका क्या है, b की जगह पर है आपका 3k का जब मैं करूंगा यहां पर तो 9k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 की जगह पर 4, a की जगह पर 9 और b की जगह c की जगह पर आपका है 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब मैंने इसको किया k
स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहां पर होगा आपका, ये आ गया आपका 4 × 9 × 4, क्लियर। इसका डिवाइड दे दूंगा तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 9 / 9, तो 9 से 9, क्लियर। यहां लिख लेता हूं, वहां आपको देख नहीं रहा होगा, तो के इज इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगी 4 × 4, और के इज इक्वल टू यहां पे वैल्यू मिलेगी तो आपको मिलेगा, देखिए जब मैं इसके ऊपर रूट लगा दूंगा तो आपको क्या मिलेगा, एक ही रूट मिलने वाला है। के की वैल्यू जो मिलेगी वो 4 मिलेगी, क्या मिलेगी 4 मिलेगी, तो दैट इज आंसर। ओके, इस तरीके से टाइप नंबर 5 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइप नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि इसकी वैल्यू को इसमें रख दीजिए, देन आपका आंसर आ गया, ठीक है। कैसे, डायरेक्टली रख दीजिए k इज इक्वल टू, देखिए सॉरी x की वैल्यू नहीं, k x की वैल्यू 2, तो यहां पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो k यानी कि 4k और यहां पर हो गया प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जब यहां पर मैंने इसे सॉल्व किया तो 1 आएगा, तो k इज इक्वल टू -1/4, दैट इज आंसर। सिंपल सा था, ये तो पहले भी कर चुके थे, है ना, ऐसे इसी तरीके से आप इस वैल्यू को इसमें लगा लीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये थे आपके 6 टाइप क्वेश्चंस आज की वीडियो में। आगे आप मुझे बताइए किस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, तो मैं उस क्वेश्चंस की आपको वीडियो बना के दे दूंगा। आपके एग्जाम के लिए मुझे चाहिए कि आप बेहतर तैयारी करें, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हायर लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको सारे के सारे कराऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इसी प्रकार के क्वेश्चन और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, और हाँ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रीवियस सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी और आगे आने वाली भी सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर कीपिंग।